मित्रों, बहुत दिन तक चर्चा में रहने के बाद लोकपाल विधेयक आज लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है। हमारी ओर से इंट्रोडक्शन के समय ही एक बुनियादी आपत्ति उठाई गई है। वैसे तो केवल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के आधार पर इंट्रोडक्शन के समय आपत्ति की जाती है, लेकिन लोकसभा के नियम इस बात की भी अनुमति देते हैं कि यदि किसी अन्य विषय पर या किसी अन्य आधार पर आपत्ति करना चाहें तो संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं। उसी नियम का उपयोग करते हुए नियम 72 रूल 72 के अंतर्गत मैंने नोटिस दिया था और अपनी बात वहां रखने की अनुमति मुझे मिली। हमारी बेसिक ऑपोजिशन इस बिल के बारे में है कि हम लोकपाल चाहते हैं मगर प्रभावी लोकपाल चाहते हैं, और जो बिल प्रधानमंत्री को अपने दायरे से बाहर रख रहा है उसके प्रभावीपन पर शुरू के दिन ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज से पहले बहुत बिल भारत की संसद ने पारित किए हैं, फौजदारी कानून के, दीवानी कानून के, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए और संविधान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स, लेकिन कभी भी किसी विधेयक में संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया। भारत का संविधान बड़े से बड़े औहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को भी एक साधारण नागरिक मानता है, और हमारा क्रिमिनल लॉ भी उसी पर आधारित है। इसलिए ना आईपीसी में, ना सीआरपीसी में, ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई इम्यूनिटी किसी बड़े औहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को दी गई। पहली बार एक बिल ऐसा आया है जिसने एक नई कैटेगरी खड़ी कर दी, श्रेणियों में बांट दिया, और मिनिस्टर के डेफिनेशन में यह कहा गया कि मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, यानी मंत्री शब्द में सारे केंद्र सरकार के अन्य मंत्री होंगे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तर्क क्या है नहीं मालूम। अगर तर्क यह है कि प्रधानमंत्री को सेंसिटिव निर्णय करने पड़ते हैं तो फिर रक्षा मंत्री क्यों है, उन्हें तो उनसे ज्यादा सेंसिटिव निर्णय करने पड़ते हैं। गृह मंत्री क्यों है, उन्हें भी बहुत बार बहुत सेंसिटिव निर्णय करने पड़ते हैं। रक्षा सौदों का भ्रष्टाचार को देश की सुरक्षा के सामने खतरा खड़ा कर देता है, लेकिन रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, और एक निर्णय में अगर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब शामिल हो, क्योंकि जनरली ऐसे निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करती है या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है, तो बाकी सबको अपराधी माना जाए लेकिन प्रधानमंत्री बरी हो जाए, उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। हमारे सामने अभी केस है 2G का, जहां उनके मंत्री कह रहे हैं कि सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री की जानकारी में थे, उनकी सहमति से हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट जो दूसरी आ रही है उनमें भी यही प्रधानमंत्री की जानकारी में सीडब्ल्यूजी के सारे निर्णय थे। तो फिर तो इस तरह की रिपोर्ट्स के बावजूद भी दूसरे मंत्री फंसेंगे, ब्यूरोक्रेट्स फंसेंगे, बाकी लोग फंसेंगे, मगर प्रधानमंत्री बिल्कुल चुपचाप आराम से घर में बैठे रहेंगे, क्योंकि वो ऑफिस में है और जब तक ऑफिस में है तब तक उनके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। जब वो पद से हट जाएंगे तब उन पर मुकदमा दायर होगा। हमें इसका तर्क ही समझ में नहीं आ रहा। और जहां तक प्रधानमंत्री का स्वयं का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि मुझे इसमें रखा जाए, लेकिन उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं तो कई बार हैरान होकर कहती हूं कि वैसे तो प्रधानमंत्री बोलते ही बहुत कम है, और जब कभी बोलते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। मुश्किल से तो वो बोले, और बोल के उन्होंने रिकॉर्ड पर आकर के ये कहा कि मैं तो रहना चाहता हूं, लेकिन पूरी कैबिनेट उनकी उनकी बात नहीं सुन रही है।
हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जैसा आज मैंने लोकसभा में कहा, हमारे यहाँ ये बहस चली थी उस समय, लेकिन एक मिनट में उस बहस को कैबिनेट में शांत कर दिया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये कहकर कि मैं इसमें रहना चाहूंगा और अगर आप प्रधानमंत्री के बिना लोकपाल बनाते हैं तो ये निष्प्रभावी साबित होगा। और इसलिए हमारे वाला जो बिल था उस बिल में प्रधानमंत्री थे, वो पारित नहीं हो पाया, एक अलग विषय है कि क्यों नहीं पारित हो पाया। लेकिन जो प्रश्न मैंने सरकार से पूछा उसका प्रतिप्रश्न उत्तर नहीं है कि आपने 2001 के बाद आपने 2004 में पारित क्यों कर दिया। प्रश्न ये कि आप क्यों बदले। हम पारित नहीं करा पाए, ये एक चीज है, हम बदले नहीं, आप तो बदले। प्रणब मुखर्जी ने सदारत करी, अध्यक्षता की उस कमेटी की, वो कमेटी के जिसके वो चेयरमैन थे, और उन्होंने अपने हस्ताक्षरों के नीचे उस बिल को पारित किया और इस क्रोध को और सहमति की मोहर लगाई कि प्रधानमंत्री रहने चाहिए। आप स्टैंड बदल रहे हैं, उसका जवाब ये नहीं है कि आप पारित क्यों नहीं करा पाए। हम पारित नहीं करा पाए, हमारी कोई व्यवस्था नहीं उस समय मेजोरिटी की, लेकिन हमने स्टैंड नहीं बदला। आज का हमारा स्टैंड हमारे उस समय के स्टैंड से बिल्कुल मेल खाता हुआ स्टैंड है, और इसीलिए ये ऑब्जेक्शन, ये आपत्ति हमने की है। लेकिन गेम ऑफ नंबर्स है, उन्होंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, अब ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को जा रहा है। हमारी और भी आपत्तियां हैं लोकपाल बिल पर, एक आर्टिकल के माध्यम से, एक नोट के माध्यम से अरुण जी उसको लिख भी चुके हैं, लेकिन तो भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने एक बड़ा सुविचारित मत एक एक धारा के ऊपर हम लोग वहां रखने वाले हैं। लेकिन जो प्रमुख आपत्ति इंट्रोडक्शन के समय हम लोगों ने करनी चाहिए उसे मैंने आज रखने का काम किया है। एक उन्हीं आपत्तियों का एक छोटा सा स्टेटमेंट भी हमने आप लोगों को आज वितरित किया है। धन्यवाद।